दोस्तों वेलकम बैक। आज मैं मैनिया कॉप 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने इसके पिछले पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड एज ऑलवेज अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। इसके पार्ट 1 में हमने देखा था कि कॉर्डेल ने जैक को किडनैप कर लिया था और उसे वेयर हाउस से ले गया था। फिर टेरेसा जैक को बचाने के लिए वहां गई थी और फाइट के बाद कॉर्डेल ने ट्रक लेकर वहां से भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस दौरान लोहे की रॉड कॉर्डेल से टकरा गई और वो ट्रक के साथ नदी में गिर गया था। इसके बाद पुलिस ने कॉर्डेल की डेड बॉडी को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कॉर्डेल की डेड बॉडी नहीं मिली और सबने मान लिया था कि कॉर्डेल अब मर गया है। इसके बाद हमें नदी में से तैरने की आवाज आती है और कोई एक पुरानी पुलिस कार लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें एक ग्रोसरी स्टोर को दिखाया जाता है। वहाँ एक आदमी आता है और स्टोर से कुछ सामान चोरी करने लगता है, लेकिन स्टोर का क्लर्क उसे देख लेता है और क्लर्क जैसे ही उस आदमी से बात करने जाता है वो आदमी क्लर्क पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन फिर क्लर्क भी चुपके से साइलेंट अलार्म प्रेस कर देता है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर के पास यहाँ की लोकेशन चली जाती है और वो इस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं स्टोर में आदमी क्लर्क से पैसे मांगता है, तब क्लर्क उसे दिखाता है कि उसका बॉस सारा पैसा लेकर चला गया है, इसीलिए अगर वो चाहे तो स्टोर से कुछ भी ले सकता है। तभी आदमी की नजर लॉटरी टिकट पर जाती है और वो क्लर्क से उसे स्क्रैच करवाता है, जिसमें से एक टिकट में 5000 बॉक्स का इनाम निकलता है। ये देख आदमी खुश हो जाता है। तभी कॉर्डेल वहाँ पर आ जाता है जो अभी भी जिंदा है। आदमी उसे मारने के लिए शूट करता है, लेकिन कॉर्डेल पहले से ही मरा हुआ है, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। क्लर्क कॉर्डेल को एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर समझता है, लॉटरी को देख बहुत खुश होता है। तभी कॉर्डेल आदमी से गन ले लेता है और क्लर्क को शूट करके मार डालता है। इसके बाद वो आदमी को गन दे देता है और आदमी जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है, सामने से पुलिस ऑफिसर उसे घेर लेते हैं। आदमी के पास गन होती है और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो उन पर फायरिंग करने वाला है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर उसे शूट करके मार डालते हैं। जब ऑफिसर स्टोर के अंदर चेक करने जाते हैं तब उन्हें वहाँ केवल क्लर्क की डेड बॉडी मिलती है। अगले सीन में जैक और टेरेसा को डिप्यूटी कमिश्नर के ऑफिस में दिखाया जाता है। टेरेसा को लग रहा है कि कॉर्डेल अभी जिंदा है और वो अपना बदला जरूर लेगा, लेकिन कमिश्नर उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि कॉर्डेल को मरे हुए 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। जैक अब अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन इससे पहले कमिश्नर दोनों को पुलिस साइकोलॉजिस्ट रायली से काउंसलिंग लेने के लिए कहता है। अगले दिन दोनों रायली से मिलते हैं, जहां रायली उनसे कॉर्डेल के बारे में ही बात करने लगती है। अब जैक कैसे भी करके अपनी जॉब पाना चाहता है, लेकिन टेरेसा अभी भी कॉर्डेल के बारे में सोच रही है, इसीलिए दोनों के बीच बहस हो जाती है और टेरेसा गुस्से में वहां से चली जाती है। इस बात से रायली जैक को जॉब के लिए अनफिट कर देती है, क्योंकि वो अभी इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। दूसरी तरफ एक चोर बिल्डिंग से भागने की कोशिश करता है, तभी लेफ्टिनेंट मैकिनी उसे शूट कर देता है। जो भी ऑफिसर किसी क्रिमिनल को शूट करता है उसे काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, इसीलिए अगले दिन मैकिनी भी रायली के पास जाता है, जहां काउंसलिंग के दौरान रायली मैकिनी के पार्टनर के बारे में पूछने लगती है, जो उसी के साथ रहती थी और कुछ महीने पहले उसने सुसाइड कर लिया था, लेकिन मैकिनी इस बारे में उससे बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए वहां से चला जाता है। रात को जैक एक न्यूज स्टैंड पर जाता है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है, जहां का अटेंडेंट एक अंधा आदमी था। तभी कॉर्डेल वहां आकर पीछे से जैक को स्टैब कर देता है और मार डालता है। जैक की आवाज सुनकर अटेंडेंट तुरंत पुलिस के पास कॉल कर देता है। जब टेरेसा को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि कुछ समय पहले जैक के साथ में उसका अफेयर चल रहा था। मैकिनी को टेरेसा पर शक होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफिस में जैक और उसके बीच बहस हो गई थी। इस पर टेरेसा कहती है कि अगर तुम्हें जानना है कि जैक को किसने मारा, तब इस बारे में तुम्हें कमिश्नर से पूछना चाहिए। इतना कहकर टेरेसा वहाँ से चली जाती है। अब मैकिनी कमिश्नर के पास जाता है और इस बारे में उससे बात करता है। पिछली मूवी में हमें पता चला था कि कॉर्डेल को गलत केस में फंसाकर जेल में डलवाया गया था और इसमें कमिश्नर भी शामिल था। वो कॉर्डेल की बात मीडिया और पेपर में जाने नहीं देना चाहता, इसीलिए वो मैकिनी से टेरेसा को अंडर कंट्रोल रखने का ऑर्डर देता है। अगले सीन में एक ऑफिसर एक आदमी के कार को टो करने वाला होता है। फिर वो आदमी ऑफिसर से बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ऑफिसर उसकी कार को नहीं छोड़ता। तभी कोई ऑफिसर के सर पर अटैक करके उसे मार देता है और डेड बॉडी को हुक में लटका कर वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद आदमी को अपनी कार मिल जाती है और वो खुश हो जाता है। इधर जैक के किलर के बारे में जानने के लिए रायली न्यूज स्टैंड पर जाती है। वो अटेंडेंट से पूछते कि क्या तुमने किलर की बॉडी को टच किया या तुम्हें कुछ अजीब फील हुआ। तब अटेंडेंट घबराते हुए बताता है कि उस किलर की बॉडी बर्फ की जैसी ठंडी थी और ऐसा लग रहा था कि वो कोई डेड बॉडी हो। ये सुनकर रायली भी हैरान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि टेरेसा शायद सही बोल रही थी। वहीं पुलिस उस आदमी को पकड़ लेती है जिसकी कार एक ऑफिसर टो कर रहा था और ऑफिसर को किसी ने मार दिया था।
आदमी ऑफिसर को बताता है कि उसे एक बड़े से ऑफिसर ने मारा था। इसका चेहरा बहुत भयानक था, लेकिन ऑफिसर को लगता है कि वो केवल झूठ बोल रहा है और वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। दूसरी तरफ रायली टेरेसा से मिलने जाती है, जो अब एक होटल में शिफ्ट हो रही थी। रायली उसे बताती है कि मैंने कॉर्डेल के बारे में पढ़ा कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर टेरेसा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रायली भी उसके साथ ही जाती है। कैब में टेरेसा बहुत घबराई होती है और लगातार पीछे मुड़कर देख रही होती है। ये देख रायली कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि टेरेसा किससे डरी हुई है। तभी अचानक से कैब में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके बाद ड्राइवर कैब को एक जगह रोकता है और पता चलता है कि टायर पंचर हो गया है। फिर ड्राइवर उसे रिपेयर करने का सामान खोजने लगता है। तभी टेरेसा एक पुरानी पुलिस कार को आते हुए देखती है और कैब लेकर तुरंत वहाँ से भागने लगती है। रायली और ड्राइवर नहीं समझ पाते हैं कि टेरेसा ऐसा क्यों कर रही है। तभी पुरानी पुलिस कार ड्राइवर को उड़ा देती है, जिसे कॉर्डेल ड्राइव कर रहा होता है। कैब का टायर पंचर होने से टेरेसा ज्यादा फास्ट ड्राइव नहीं कर पाती, इसीलिए कॉर्डेल आसानी से उसके पास आ जाता है और कैब को टक्कर मारने लगता है, जिसके बाद कैब एक जगह पर फंस जाती है। इसके बाद टेरेसा गन लेकर बाहर निकलती है और कॉर्डेल को देखते ही शूट करने लगती है, लेकिन कॉर्डेल को कुछ नहीं होता और वो टेरेसा को उठाकर दूर फेंक देता है। रायली अभी कार के अंदर होती है और वो कॉर्डेल को देखकर डर गई होती है। इसके बाद वो रायली के हाथ को कैब के स्टीयरिंग में लॉक कर देता है और उसे धक्का देकर हाईवे पर भेज देता है। इसी बीच टेरेसा को एक चैंसो मिल जाता है और वो कॉर्डेल पर अटैक करती है, लेकिन कॉर्डेल चैंसो छीन लेता है और गर्दन तोड़कर टेरेसा को मार देता है। दूसरी तरफ रायली कैब में लटकी हुई बीच हाईवे पर आ जाती है और उसकी कैब कारों से टकराने लगती है। फिर किसी तरह रायली कैब में बैठ जाती है। तभी अचानक उसके बिल्कुल सामने एक कार आ जाती है, जिसको बचाने के दौरान रायली का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर कुछ समय बाद वहाँ मेडिकल टीम आती है और रायली को रेस्क्यू कर लेती है। इस इंसिडेंट के बारे में पता चलते ही मैकिनी भी वहाँ आ जाता है। तब रायली उसे बताती है कि मैंने आज कॉर्डेल को देखा। अगले सीन में हमें पता चलता है कि कोई किलर अलग अलग स्टेज डांसर को मार रहा है। इसके बारे में एक न्यूज रिपोर्टर रायली और कमिश्नर से बात करता है। रायली जैसे इन सभी चीजों के पीछे कॉर्डेल का नाम लेती है, कमिश्नर उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन रायली नहीं रुकती, जिसके बाद न्यूज रिपोर्टर ही शो को बंद कर देता है। दूसरी तरफ स्टीवन नाम के आदमी को एक क्लब में दिखाया जाता है, जहां वो इस न्यूज को टीवी पर देखता है। शो बंद होते ही कमिश्नर रायली को सस्पेंड करने की धमकी देता है। तब रायली कहती है कि कॉर्डेल बहुत ही जल्द तुम्हें विजिट करने आएगा। वहीं क्लब में स्टीवन सेरिल नाम की स्टेज डांसर को देखता है और उस पर देखते ही फिदा हो जाता है। स्टेज परफॉर्मेंस के बाद सेरिल अपने रूम पर होती है। तभी वहाँ कोई आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। इससे रायली डर जाती है। वो तुरंत डेस्क पर कॉल करती है और सिचुएशन के बारे में बताने के बाद पुलिस बुलाने के लिए कहती है। तभी वो आदमी खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है और सेरिल को पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि स्टीवन है। सेरिल स्टीवन से जाने देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन स्टीवन उसे नहीं छोड़ता। फिर स्टीवन सेरिल का गला दबाने वाला होता है, तभी वहाँ कॉर्डेल आ जाता है और उसे देख स्टीवन डर जाता है। इसके बाद कॉर्डेल खुद सेरिल का गला दबाने जाता है। तभी वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, लेकिन कॉर्डेल उनको पीट देता है और स्टीवन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तब स्टीवन कॉर्डेल को एक जगह पर ले जाता है, जहाँ वो छुपकर रहता था। फिर स्टीवन कॉर्डेल को उन लड़कियों की फोटो दिखाता है, जिनको उसने मारा था। स्टीवन कॉर्डेल के सामने बहुत सी बातें करता है, लेकिन कॉर्डेल कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसका फेस पूरी तरह डिफॉर्म हो गया था। किसी भी तरह कॉर्डेल अपना नाम बता देता है। उसका नाम सुनते ही स्टीवन उसे पहचान जाता है, क्योंकि इसके बारे में उसने न्यूज में सुना था। अब स्टीवन कॉर्डेल को अपना दोस्त समझने लगता है। वो पूछता कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। तब कॉर्डेल उसे बताता कि मुझ पर गलत इल्जाम लगाकर फंसाया गया और जेल में डाल दिया गया, जहाँ पर कुछ लोगों ने मुझ पर अटैक कर दिया और टूटे हुए कांच से मेरे फेस का बुरा हाल कर दिया। वहीं अब मैकिनी सेरिल की मदद से अटैकर को पकड़ने का प्लान बनाता है, क्योंकि वो केवल स्टेज डांसर को अपना विक्टिम बना रहा है और वो फिर से क्लब में जरूर आएगा। कुछ समय के बाद कॉर्डेल स्टीवन के यहाँ से चला जाता है, लेकिन स्टीवन कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वहीं अब कमिश्नर रायली मैकिनी और सेरिल क्लब में चले जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद स्टीवन भी वहाँ पर आ जाता है। तब सेरिल उसे पहचान जाती है और ऑफिसर को बता देती है। अब स्टीवन वहाँ से बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रायली उसे पंच मारकर गिरा देती है। इसके बाद मैकिनी उसे पकड़कर सेल में डाल देता है। फिर मैकिनी स्टीवन से पूछता कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है। तब स्टीवन कहता है कि वो बहुत जल्दी मुझे लेने आएगा। रात को कुछ ऑफिसर शॉट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब कॉर्डेल वहाँ आकर उनको ही शूट करके मार डालता है। इसके बाद वो अंदर आ जाता है, कुछ ऑफिसर को शूट करने के बाद स्टीवन को फ्री कर देता है। इस बारे में पता चलते ही मैकिनी तुरंत यहाँ पर आ जाता है और उसे पता चलता है कि कॉर्डेल ने रायली को हॉस्टेज बना लिया है। वहीं कॉर्डेल ने स्टीवन के साथ एक और क्रिमिनल को फ्री करा लिया है और सिंह सिंह नाम की एक जेल के लिए उसका ट्रांसफर पेपर स्टीवन को दे दिया है। तभी रायली को याद आता है कि कॉर्डेल भी सिंह सिंह गया था और वहीं पर कुछ क्रिमिनल ने उसे मारा था।
फिर स्टीवन रायली को बताता कि कॉर्डेल और वो मिलकर अपनी एक आर्मी तैयार करने वाले हैं, लेकिन रायली अभी भी नहीं समझ पाती कि कॉर्डेल आखिर वहाँ फिर से क्यों जाना चाहता है। इसके बाद ये लोग एक पुलिस ट्रक लेते हैं और स्टीवन सभी पुलिस कार को उड़ाता हुआ भागने लगता है। इसके बाद पुलिस इनका पीछा करने लगती है। वहीं मैकेनी कमिश्नर के साथ अपनी कार में होता है। वो समझ गया है कि कॉर्डेल सिंह सिंह जा रहा है और उसे वहाँ पहुँचने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो कमिश्नर से कहता कि अब केवल तुम ही उसे रोक सकते हो, तुम्हें कॉर्डेल का केस ओपन करवाना चाहिए और उस पर लगे इल्जाम को हटाकर उसे पुलिस गार्ड के सम्मान के साथ दफनाना चाहिए। ये सुनते ही कमिश्नर मैकेनी से कार रोकने के लिए कहता है, क्योंकि मैकेनी को पता कि कमिश्नर और कुछ लोगों ने उसे किस तरह फंसाया था, जबकि कॉर्डेल बहुत ही अच्छा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। फिर मैकेनी एक जगह पर अपनी कार रोकता है। अब कमिश्नर को भी अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और मैकेनी उसे कॉर्डेल के सामने कन्फेस करने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद स्टीवन ट्रक लेकर सिंह सिंह के डेथ हाउस पर पहुंच जाता है। वो सिक्योरिटी ऑफिसर को अपने साथ वाले क्रिमिनल का ट्रांसफर पेपर दिखाता है और ये लोग आसानी से एंट्री पा जाते हैं। इसके बाद कॉर्डेल सिक्योरिटी गार्ड को मारकर चाबी लेता है और ये लोग अंदर घुस जाते हैं। तभी कमिश्नर और मैकेनी भी यहाँ आ जाते हैं। कमिश्नर रेडियो पर कॉर्डेल के सामने अपनी गलती मानता है और उस पर लगे इल्जाम को खत्म करने का वादा करता है, लेकिन कॉर्डेल नहीं रुकता। वो उन लोगों को पहचान जाता है जिन्होंने उसका ये हाल किया था। ये लोग भी डर गए होते हैं और कॉर्डेल को रोकने के लिए उसे आग में जलाने लगते हैं, लेकिन कॉर्डेल को कुछ भी नहीं होता। वो अपने सभी विक्टिम को एक एक करके मारने लगता है। स्टीवन को लगा था कि कॉर्डेल यहाँ पर उसके जैसे और लोगों को भी फ्री कराने आया है, लेकिन कॉर्डेल यहाँ पर अपना बदला लेने आया था। इस बात से स्टीवन गुस्सा होकर कॉर्डेल पर हमला करने जाता है। इसके बाद जलता हुआ कॉर्डेल स्टीवन के साथ दीवार तोड़कर बाहर कूद जाता है और दोनों जैसे ही ट्रक पर गिरते हैं, उसके बाद ब्लास्ट होने से दोनों ही मारे जाते हैं। इसके बाद कॉर्डेल का पूरी रिस्पेक्ट के साथ फ्यूनरल होता है और उसकी कब्र भी उन बाकी ऑफिसर के साथ बनाई जाती है जिनको कॉर्डेल ने मारा था। वहाँ पर मैकेनी और रायली भी कॉर्डेल के फ्यूनरल को अटेंड करते हैं। फिर ताबूत जब नीचे चला जाता है तब मैकेनी कॉर्डेल के बैज को उस पर गिरा देता है। इसके बाद मैकेनी रायली के साथ वहाँ से जाने लगता है और बताता है कि कैसे केवल जस्टिस और प्रेशर ही एक नॉर्मल और एक संकी ऑफिसर के बीच का डिफरेंस है। अब आखिर में कैमरा कब्र के अंदर जूम होता है और कॉर्डेल का हाथ बाहर आकर अपना बैज लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो, लाइक तो कर ही दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू और वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय।